हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ शिवांगी जोशी इंस्पायर्ड लुक। तो मेकअप में आगे पढ़ने के पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में आएगा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज, जिसके लिए मैं यूज़ करी हूँ गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम, जो कि काफ़ी अच्छी क्रीम है एंड आपकी स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करती है। एंड इसे अच्छी तरह से अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइज का प्राइमर। ये भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। 180-120 ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको लोकल मार्केट में। अगर आप होलसेल मार्केट या ऐसा कोई मार्केट जानते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पता कीजिएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जब तक मेरा प्राइमर मेरे स्किन पे सेट हो रहा है, तब तक मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। तो अगर आप सब कुछ तुरंत तुरंत कर लेते हैं ना, तो वो सब मिक्स हो जाता है, तो कोई भी लेयर करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब मेरा प्राइमर सेट हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का बीबी क्रीम। आपको तो पता ही है कि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी क्रीम है ये। तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो आपको अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को डैप करना है, यानी कि पानी में भिगो कर अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके एंड देन उसके बाद ही यूज़ करना है। तो ऐसे करने से आपका मेकअप जो है वो काफ़ी फ्लॉलेस होता है। तो अपने पूरे फेस को मैं ब्लेंड, पूरे फेस को नहीं, पूरे मेकअप को मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइज, अगर आप ब्लेंडिंग प्रोसेस जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा और साथ ही फ्लॉलेस भी होगा। टाइम लगता है लेकिन ज़रूरी भी होता है। एंड इसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB का कंसीलर स्टिक एज अ कंसीलर। ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी मिलता जुलता है, तो मैं इसे एज अ बेस भी यूज़ करती हूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसे एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो बेस है वो फ्लॉलेस भी दिखे और थोड़ा सा ब्राइटन अप भी दिखे। जो भी मेरे डार्क स्पॉट्स है वो भी हाइड हो जाएँ, क्योंकि इस समय पर मुझे थोड़ी सी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट लेट सो रही हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर। एंड इसे भी आपको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है एंड देन मैं पूरे बेस को सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ लैक्मे लूज पाउडर। तो इसमें सनस्क्रीन भी है, तो आप इसे डे टाइम पे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड मालियो क्रीम जो मैंने यूज़ किया है उसमें भी सनस्क्रीन है। तो ये मेकअप अगर आप डे टाइम में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद में मैं ये ब्रश ले रही हूँ। ये मैंने आपको करके दिखाया कि ये मतलब बड़ा भी हो जाता है एंड छोटा भी हो जाता है, ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इससे अपनी नोज़ को कंट्रोल कर ले रही हूँ और साथ ही अपने पूरे फेस को भी कंट्रोल कर ले रही हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, मुझसे बहुत ही ज़्यादा उनका फेस भी स्लिम है, तो कंट्रोलिंग अच्छे से करना ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाई मैं अच्छे से कंट्रोल कर ले रही हूँ अपने फेस को। एंड देन मैं ये पीची कलर ले रही हूँ एज अ ब्लश। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, हद वाला पिगमेंटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा ही लग गया था मेरे फेस पर, आप देख सकते हैं, और दूसरे साइड में तो कुछ ज़्यादा ही लग गया था। एंड मैं उसे लाइट कर ले रही हूँ। तो ये एक ट्रिक है गाइस, अगर ये ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो आप अगर ज़्यादा कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये काफ़ी फेडअप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से कलर जो है काफ़ी सेटल सा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड कर लूँगी एंड देन अगेन इसको मुझे सेट करना होगा। तो मैं विद द हेल्प ऑफ सेम लूज पाउडर इसे हल्का सा सेट भी कर लूँगी, ताकि जो ब्लश है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। एंड ये लाइट ब्राउन कलर लेकर मैं एज अ ट्रांजिशन शेड और यू कैन से एज अ बेस शेड अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज उनका जो आई मेकअप है वो काफ़ी ग्लिटरी शिमरी काइंड ऑफ है, तो वो कलर्स अच्छे से होकर दिखे, इसलिए मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेकर अपने जो मेरी क्रीज लाइंस हैं उसको डिफाइन कर ले रही हूँ अपनी दोनों आँखों में, मैं इसी तरह से कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड देन मैं ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो ले रही हूँ, शिमरी आई शेडो, जिसे अपने आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा बेस का काम करेगा, इसके ऊपर आप कुछ भी ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ किस ब्यूटी का ग्लिटर आईलाइनर और इसे अपनी पूरी आईलेट पर अप्लाई कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है। एंड इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि कोई विंग विंग वगैरह तो क्रिएट करना नहीं है, नॉर्मल आईलेट पर ही अप्लाई करूँगी मैं इसे पूरी। सो आई शेडो अप्लाई करने के बाद में अब बारी आती है आईलाइनर की। तो आप उनका आई मेकअप देख सकते हैं, काफ़ी डार्क और थिक काइंड ऑफ है। तो पहले मैं एक थिन लेयर ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ NYB आईलाइनर। ये आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये डार्केस्ट ब्लैक है। एंड उसके बाद में मैं इसे ही थोड़ा थोड़ा करके थिक कर लूँगी। एक साथ थिक लाइन बनाने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज वो बिगड़ जाएगा।
तो इस तरह से हल्का सा विंग भी क्रिएट किया मैंने। एंड काजल लगा लूँगी थोड़ा सा बोल्ड टाइप का, बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं, थोड़ा सा बोल्ड लगाऊंगी। ये एलिटिन का काजल है एंड ये बहुत अच्छा है गाइस, काफ़ी लंबे समय तक रुक जाता है। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी लाइट वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है। आप इसे मिंत्रा से मैंने बाय किया था एंड मेरे पास हाईलाइटर के लिए टू ऑप्शन है, मैं दोनों ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो एज अ हाईलाइटर। तो अपने सारे हाई पॉइंट्स में इसे अप्लाई करूँगी, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वर्क कर रहा है ये एज अ हाईलाइटर भी। तो इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी मैं जो भी मेरे हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पर। इसके बाद ये पिंक कलर लूँगी और इसे मैं अपने ब्रो बोन में अप्लाई करूँगी, ब्रो बोन में अप्लाई करूँगी। एंड इसके बाद मैं ये कलर मैं लूँगी, इसमें लिप ग्लॉस मिलाऊँगी, इसे एज अ लिपस्टिक लगाऊँगी क्योंकि मेरे पास वो शेड नहीं है जो उन्होंने लगाया है। अपने हेयर्स को बना लूँगी, ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, उनके स्ट्रेट हेयर्स हैं एंड उन्होंने सेट किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड वाइब्स का मिस्ट और इसे कर लूँगी अपने मेकअप को फिक्स। वाओ एंड यस, इसके बाद में मैं यहाँ पर मांग टीका अप्लाई करूँगी। ये एक्चुअली मेरा पेंडेंट सेट है, तो चेन देख सकते हैं आप बड़ी लंबी सी। एंड हियर इज़ माय फाइनल लुक गाइस। कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि ये लोग आपको कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।